नाउ ऑडिबल? यस, हेलो हेलो, हाय हाय हाय। चलो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी का जिंदगी के इस बेहतरीन सब्जेक्ट में हार्दिक 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 स्वागत है बेटा। नाउ ऑडिबल विजिबल, सब लोग साथ में बेटा। दिस साइड सीएस हरीश मथारिया ऑन यस अकेडमी प्लेटफॉर्म, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कौन बनेगा करोड़पति, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, ऐसा नहीं करना है। लॉजिकली आपने सारी चीज के आंसर लिखने। चलो यार, मैं हरीश मतारी आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सब्जेक्ट के बारे में सारी आइडियाज दे दूंगा, अकेडमिक बारे में आइडिया दे दूंगा, आपके जो टीचर है यानी मैं, मेरे बारे में सारा सब कुछ बता दूंगा और कौन कौन से वेपन्स आपके पास होने चाहिए ये सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले, सारे आइडियाज आपको क्लियर कर देता हूँ। ये ही सोच के पढ़ा रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट में आप सभी का फर्स्ट डे है। इसके पहले आपने जीरो से कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, सब कुछ जीरो से ही हम लोग पढ़ने वाले, ये सोच के मैं पढ़ाने वाला बेटा। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार है, फैला दो सब जगह पे न्यूज कि हमारा लेक्चर स्टार्ट हो गया है। अच्छा पंकज सर, विकास सर को बोल दो ना, सिर्फ इसकी लिंक भेज दो ना, बोलना कौन से ग्रुप पे है तो टेलीग्राम के, है ना। यस हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, हाय वंशिका, हाय शुभी, हाय दीक्षा, रोहन, ओमकार, सृष्टि, वेदिका, वैष्णवी, निकिता, हाय मदन, हाय नमस्ते, आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है बेटा। चलो मैं एकदम फर्स्ट क्लास शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ बेटा। यस आ जाओ यार सब लोग। ओके यो प्रभु दर्शन दीजिए, यो ओमकार सिंह जी, हाँ बेटा बिल्कुल एकदम दर्शन दे रहा हूँ सभी को। आ जाओ सब्जेक्ट की शुरुआत करते एकदम, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते, काफ़ी सारे बच्चे आ जाएंगे, है ना सर। यो काफ़ी सारे बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते। यो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साक्षी अग्रवाल, हाय शीनू, हाय मानशी, हाय लवली, मंगल, दीपक, मृदुल, आदित्य, अर्पिता, अवरीन, प्राची, गोयल, कुछ बच्चों के अगर नाम छूट जाए तो प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिएगा, है ना। हाय शीनू, हाय दीपक, शुभी, वंशिका, याशिका, यश, वैष्णवी, श्रुति, प्राची, दीपेश, महिमा, यो आ जाओ यार सब लोग अच्छे अच्छे से। सर आपको इंट्रो की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो यू। ओके यार चलो ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर, है ना। सब्जेक्ट का एकदम डिटेल आइडिया दे देता हूँ सबसे पहले, तो आ जाओ यार सब लोग मेरे साथ साथ में। अच्छा आपके ये एक डायरी का फर्स्ट कट आ चुका है, आपके एक डायरी का फर्स्ट कट आ चुका है बेटा, है ना। सो ये एक फाइनल प्रूफ रीडिंग करूँगा, उसके बाद में रेडी हो जाएगी पूरी आपकी डायरी। प्रूफ रीडिंग के बाद 4 से 5 दिन का मैंने आप लोगों से टाइम मांगा हुआ था, 4 से 5 दिन का टाइम मांगा हुआ था। तो जैसे ही ये डायरी कंप्लीट हो जाती है आप सभी को डायरी मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देन चलो हम लोग आगे बढ़े बेटा। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बार मैं सभी को सारी चीज़ें बता देता हूँ, सभी को सारी चीज़ें बता देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल सही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे मुस्कान गुप्ता का नाम दिख रहा है, डोंट वरी अभी चेंज हो जाएगा, मुस्कान का नाम दिख रहा है, यो अभी चेंज कर देता हूं। बोलो क्या लिखूं नाम में, ठीक है। Done, all set, happy, चलो। So guys, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं एक बार सब्जेक्ट के बारे में सारी चीज बता दें, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, बस 97 बच्चे टच हो चुके। एक बार जैसे ही 100 क्रॉस कर दिया मैं तुरंत के तुरंत लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। सर ये डायरी चार्ट्स है क्या? जी हाँ मैम, यो डोंट वरी, बोलो हैरी। बस ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस सबने अंगूठा भी दिखा दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। चलो आ जाओ 98, बस 2 बच्चे और चाहिए, उसके बाद 100 हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी और तुरंत के तुरंत हम लोग आगे बढ़ने वाले। चलो फटाफट से आ जाओ। अरे हाय मृणाल, हाय सृष्टि, हाय मृदुल, हाय पांडे जी, नमस्ते, वैशाली, रिद्धि, हाय 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 हाय, यो 99, बस एक और। सर ये डायरी चार्ट्स, जी हाँ सर हमें मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल मिलने वाली, 102, एंड मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ अब। आ जाओ यार,
है ना, मैं सारी चीजें एकदम जीरो से बताने वाला हूं। तो अपने दिल दिमाग डीएनए को पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ में पूरा सब कुछ ओपन करके रखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और सब्जेक्ट का एकदम जीरो से सारा सब कुछ आइडिया देने वाला हूं कैसे क्या होने वाला है। तो चलो आ जाओ यार, एक बार अच्छे से ध्यान दे दो। सो यस अकेडमी से यस टू सीएस, यही हमारा बचपन से नारा रहा है ना। तो बस उसी के साथ मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले जस्ट नो योर टीचर, है ना। मैं आप जिस इंसान से ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो एक बार उसके बारे में भी थोड़ी सी आइडिया ले लो, है ना। तो बता देता हूँ बच्चों, गलती से सी ए सी एस हो गया और टीचिंग लाइन में पिछले 10 साल से हूँ। वैसे मेरी पुणे में प्रैक्टिस भी है, सी ए की प्रैक्टिस करता हूँ, साथ साथ टीचिंग करता हूँ। यस और नो, सी ए एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी दोनों कोर्स मैंने एक साथ किए थे। सर दोनों कोर्स एक साथ करना पॉसिबल है? जी हाँ, सी ए और सी एस दोनों भी कोर्स एक साथ हो सकते हैं, बस आपको मेहनत और लगन की ज़रूरत है, है ना। लास्ट 10 ईयर से पढ़ा रहो बेटा, है ना। और ये बच्चे बोलते हैं डोंट वरी बोलो वरी, बाकी मुझे पता नहीं, वो आप आपका देख लो, है ना। और हर चीज हम लोग लॉजिकल और एकदम आसान तरीके से पढ़ने वाले, ये ही मेरे खास फीचर है। और जो चीजें यहाँ पे मैंने लिखी ना वो सारी शत प्रतिशत सही है। यस चलो आ जाओ, थोड़ा सा क्या क्या चीजें मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करने वाला हूं, थिंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड, सो अच्छे से ध्यान देना। ये 5 चीजें जरूरी है, बिल्कुल इस पहले लेक्चर को आपने अनदेखा नहीं करना है, सीरियसली लेना है। जो भी चीजें बता रहा हूं वो सारी चीजें आपने नोट डाउन करके रखना है। क्या क्या चीजें जरूरी है बेटा, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जब कोई बच्चा सीएस की, बच्चा अच्छे से ध्यान दे देना, जब कोई भी बच्चा सीएस की पढ़ाई करता है, अच्छा आपको कौन नहीं जानता, जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो वो इतना सीरियस हो जाता है और इतना मगन हो जाता है उस चीज में, क्यों बाकी दुनिया उसका कॉमन सेंस, जो जनरल नॉलेज है, कैरिंग नॉलेज है, कॉमन सेंस अप्लाई करना भूल जाता है और बस वो यही दिखता है कि किताब में क्या दिया हुआ है, किताबी कीड़ा बन जाता है। तो वैसा नहीं करना है प्लीज। अगर सब्जेक्ट में पिछले बच्चों की तरह आपको भी एग्जम्पशन लेके आना है, 80+ स्कोर करना है, तो ये सारी की सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखो। और हाँ, थोड़ा लाइक कर दिया करो, ना लाइक हो, लेक्चर चल रहा है, एक लाइक भी कर दिया तो भी कोई बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है नहीं, ना लाइक से मुझे कुछ पैसे मिलने वाले, ना आपके पैसे जाने वाले, बस आपके लाइक्स और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट इस डीजल इंजन को मोटिवेट करती है। बस इसी के लिए मैं बोल देता हूँ कि थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो, है ना, वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी। चलो यार आगे बढ़ता हूँ। सो कौन कौन सी चीजें मुझे आप लोगों से एक्सपेक्टेड है वो एक बार अच्छे से समझ लेना बेटा। सबसे पहली चीज, प्रोफेशनल कोर्सेज करते समय बच्चे कॉमन सेंस को बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, तो मैं आप लोगों के कॉमन सेंस को फिर से जिंदा करने वाला हूँ। और हाँ, हमारे सब्जेक्ट में बहुत जगह वो कॉमन सेंस अप्लाई होने वाला है। जहां जहां भी आपको डाउट है, आपने तुरंत के तुरंत ईमानदारी से वो सारी चीजें पूछ लेना है। चलते लेक्चर में, इन द लाइव लेक्चर इटसेल्फ यू कैन एक्चुअली टॉक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन द लाइव लेक्चर इटसेल्फ। जो जो बच्चे लाइव लेक्चर के लिए एडमिशन ले रहे हैं, सर लाइव लेक्चर ज्यादा अच्छा है, रिकॉर्डेड मैं सजेशन दूंगा, लाइव लेक्चर ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपके जो भी डाउट्स है वो आप तब के तब क्लियर कर लोगे। और दूसरा फायदा, रेगुलरिटी रहेगी, राइट, है ना। चलो आ जाओ उसके बाद आगे बढ़ते हो। यो गुड आफ्टरनून, जो भी बच्चे लेट आए हैं, यस कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ये ऐसा समझो आपके काम की पहली स्लाइड है। इसके पहले तो मैंने कुछ ज्यादा कुछ काम की चीजें नहीं बताई, बस नो योर टीचर के बारे में बात कर रहा था और यस अकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, बस इतना ही बोला उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला है बेटा। दूसरी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, फोकस। बच्चे क्या करते हैं, ये आगे की तीनों चीजें अपने पास रख लेते हैं लेकिन पहली दो चीजें बच्चे काफी बार मिस कर देते। तो आपने एकदम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना है, 100% कॉन्सेंट्रेट करना है। जिस दिन मैं बोलूं ये कॉन्सेप्ट खत्म, उस दिन आपने बोलना है हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म, सेम डे खत्म करना है, पेंडिंग नहीं रखना है। सर इनके हमारी तबियत खराब आ गई, मेडिकल रीजन हो गया, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आ गया, तो ईमानदारी से वो लेक्चर रिकॉर्डेड देख करके सेम डे खत्म करो, अगले दिन दो लेक्चर खत्म करो, बट पेंडिंग नहीं रखना है बेटा। सो कॉमन सेंस और फोकस, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों का कॉमन सेंस अगर जगह पे नहीं होगा तो उसको लेके आ जाऊंगा और फोकस आपको, मतलब फोकस में पूरा रहने के लिए मैं पूरा प्रेरित करूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बाकी ये तो तीनों मटेरियलिस्टिक चीजें है, कैलकुलेटर, मल्टी कलर पेन आपने रखना है आपके पास। सर एग्जाम में मल्टी कलर पेन अलाउड है क्या? नहीं। सर फिर यहां पे क्यों बोला? क्योंकि मैं यहां पे आपको कलर्ड बुक दे रहा हूं, कलर्ड बुक में एवरी कलर हैज डिफरेंट मीनिंग, सो मल्टी कलर पेन आपके पास होना चाहिए। सब लोग साथ में है क्या? पक्की बात, किसी बच्चे का कोई चीज छूट गया है तो प्लीज एक बार देख लो मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान देना।
एक बार फिर से बता देता हूं, सीएस एग्जीक्यूटिव का कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 का आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है दिस साइड सीएस हरीश मथारिया, जो कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, है ना। थिंग्स क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, कॉमन सेंस पहले बता दिया था। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में बच्चे सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाता है, कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करता है, वो मैं आपका कॉमन सेंस जिंदा करने वाला हूं। एंड फोकस आपने रखना है, ये मटेरियलिस्टिक चीजें, कैलकुलेटर, मल्टी कलर पेन और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। ये चीजें मेक श्योर, ये चेकलिस्ट बना करके आज आपके पास ला करके रख लेना, ठीक है। उसके बाद अब सब्जेक्ट के बारे में, पहले मैंने बता दिया अकेडमी के बारे में, देन उसके बाद में नो योर टीचर, देन नो योर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या चीज़ है अच्छे से ध्यान दे देना, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, हम लोगों को कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है, और सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से बेटा। यही सोच के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपने अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट जीवन में आज तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे उनका सी सेट क्लियर होने के बाद आए होंगे, मे भी हो सकता है 11, 12 साइंस है, आर्ट्स है ना, नॉन कॉमर्स है, उसके बाद उन्होंने सी सेट दिया, सी सेट में अकाउंट्स है ही नहीं, डायरेक्टली अकाउंट्स पहली बार आया आपके जिंदगी में सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से धीरे धीरे होले होले पूरा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 22 चैप्टर्स है। आपके मन में पहला सवाल आ रहा है, सर आपकी नोट्स करने के बाद हमें मॉड्यूल करने की जरूरत है? नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ICSI, है ना, हमने ICSI के मॉड्यूल को 100% हमारी नोट्स में कवर किया है। अगर अमेंडमेंट आ जाती है तो YouTube चैनल पे आपको अमेंडेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेटेड लेक्चर्स है, सारी अमेंडमेंट मैंने इसके अंदर में कवर करके रखी है। पहली चीज जो आपके मन में सवाल आता है, सर और कोई किताब करने की जरूरत है? नहीं सर, बस आप जो बुक्स दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बुक यानी रेगुलर बुक, चार्ट बुक जो आपको रिवीजन करने के लिए काम आएगी, क्वेश्चन आयर है ना जिसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, और टेस्ट सीरीज किट जिसमें हर एक चैप्टर की टॉपिक वाइज टेस्ट है, बस सर इतना कर लिया तो हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएगा? बेटा अच्छे से नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। सर 80+ के लिए बहुत अच्छा है? बिल्कुल मोर देन सफिशियंट है। सर ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है इसका नाम है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें कितने पार्ट है? बेटा दो पार्ट है, एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पार्ट बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पार्ट ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक्स इसमें रहेंगे सारे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों को डिसीजंस लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर में मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते, और डिसीजन किस भरोसे पे लेते हैं? वो इंफॉर्मेशन के भरोसे। वो इंफॉर्मेशन उन्हें कहां से मिलती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, यस और नो। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यहां पे जो भी कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक है, कुछ बच्चों का 11, 12 कॉमर्स में कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा उन्होंने, ठीक है पढ़ा भी होगा तो भूल जाओ, मैं सब कुछ जीरो से बताने वाला हूं। ये बेसिकली आपके दो पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये है 60 मार्क्स का, और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपका 40 मार्क्स का। मुन्ना ये लिख करके रख लेना, ठीक है। सर ये जो स्लाइड्स दिख रही है ये सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास में आ जाएगी ना? हाँ आ जाएगी, ये हमारे नोट्स का ही पार्ट है, तो ये आपके पास आपके नोट्स में रहेगी, ठीक है। सिर्फ वेटेज लिख लो, 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स, क्लियर पक्की बात। सर हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं? इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे 22 तक। और यहाँ पे मैं बोलूँगा आपका सब्जेक्ट खत्म, आपने बोलना हमारी पढ़ाई खत्म, सर हमने टेस्ट दे दी, अब हम लोग पेपर देने जाने वाले हैं, हम पास हो जाएंगे और हम लोग प्रोफेशनल में आ जाएंगे, क्लियर है। साथ साथ सारा सब्जेक्ट आपने खत्म करना है, बोलता हर बैच में हूं। सर वो आपने जो नहीं, एक बच्चे ने बोला सर आपकी जो नई बुक है वो फाइनल है या सैंपल है? बेटा मैंने उसके अंदर में एक एक चैप्टर्स दे दिए हैं, है ना, जैसे जो भी बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा होगा, मैंने ये बैच शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट किया था, सैंपल नोट्स दिया था सभी को एक एक चैप्टर्स की। फाइनल नोट्स तो बेटा आप जब लेक्चर लोगे उसके बाद ही आपको मिलेगा ना, फाइनल नोट्स तो लेक्चर लेने के बाद ही मिलेगा, यस और नो? ओके, और कोई बच्चा बेटा किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सर अपडेटेड चीजें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलेगी ना? बिल्कुल मिलने वाली बेटा, क्यों नहीं मिलेगी, अपडेटेड चीजें रिकॉर्डेड वालों को भी मिलेगी, आ जाओ। तो ये है आपका सब्जेक्ट, टोटली 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 60, 40,
पूरा का पूरा सब्जेक्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन चार ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यस और नो। टोटल टॉपिक कितने हैं? 22। सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें? थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे प्रैक्टिकल भी, बट सारे के सारे क्वेश्चन, आई रिपीट, सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर कितने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? 100 एमसीक्यू आएंगे, 100 एमसीक्यू फॉर 100 मार्क्स, 100 एमसीक्यू फॉर 100 मार्क्स, जिसमें से ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स का पार्ट ए रहेगा एंड 40 मार्क्स का पार्ट बी रहेगा। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? पक्की बात, चलो आगे, डन। एक बच्चे ने पूछा कि सर आज अगर मैं ऑर्डर कर दूं तो एक्स्ट्रा बुक मिलेगी क्या? जी हाँ बेटा, बिल्कुल मिलेगी। हार्ड कॉपी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पांडे जी, महिमा, पल्लवी, यो यो, बिल्कुल, अगर आप आज ऑर्डर करते हो तो डन। चल आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। सो अच्छे से ध्यान देना, सब्जेक्ट के बारे में आइडिया आ गया। सर ये टॉपिक भी पढ़ लो। ना 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 मुन्ना ना, टॉपिक आज नहीं पढ़ना, टॉपिक का नाम आज नहीं पढ़ना है, है ना, जंबलिंग नहीं करना है हम लोगों को। बस ये पहला टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपको पहले टॉपिक के बारे में बताऊंगा। सीक्वेंस में होले होले सारे टॉपिक धीरे 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 पढ़ना है। सबसे पहले मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं? फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक बार मैं चीजें बता देता हूं बेटा, दिस साइड सीएसीएस हरीश बता रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये अपडेटेड लेक्चर्स है, ये सारी नोट्स करने के बाद आपको अलग से और कोई नोट्स करने की जरूरत नहीं है। 80 प्लस के लिए सारी की सारी नोट्स सफिशियंट है। और अगर इंस्टीट्यूट की कोई अमेंडमेंट्स आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सारी अमेंडमेंट्स के लेक्चर मिल जाएंगे। टोटल आपका सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, 60 का पार्ट है, 40 का पार्ट भी, यस और नो। पूरा पूरा सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन चार ऑप्शन, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है। और आज मैं आप लोगों का सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं। मैंने सारी चीज बता दी, आपके पास हथियार क्या क्या होना चाहिए। और इस सदी का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, सर हाउ टू स्टडी, ये नीचे जो मैंने चार स्टेप लिख करके दिए ना मुन्ना, ये जो चार स्टेप लिख करके दिए, ये आपके नोट्स में भी रहेगी, आपके नोट्स में भी रहेगी, आपके नोट्स में भी रहेगी, आपके नोट्स में भी रहेगी। जो भी बच्चा मुझसे नोट्स लेकर के रखा है या जिसने वीडियो लिए है हार्ड कॉपी के साथ या सॉफ्ट कॉपी के साथ, उस नोट्स के अंदर में चारों स्टेप्स मैंने लिखी है। इन चारों स्टेप्स को मैंने अपने मन से लिखा है। ये स्टेप्स एक एक थका हुआ, एक हारा हुआ, एक जिंदगी से चोट खाया हुआ सीएस का जो स्टूडेंट्स होता है ना, उसके लिए परफेक्ट है ये चारों के चारों स्टेप्स। ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है, चारों स्टेप जो आप तक पहुंचने वाली है ना, ये एज इट इज फॉलो करना है। सबसे पहली स्टेप, डेवलप द लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए आपको लाइकिंग डेवलप करना है। हाँ बेटा, एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने सिर्फ लेक्चर एक्सटेंड किए हैं, उसके लिए ओल्ड नोट्स इनफ है क्या? जी हाँ बेटा, ओल्ड नोट्स बिल्कुल इनफ है। और देखो, मैं काफ़ी बार बच्चों को देखता हूँ, जो बच्चे रिकॉर्डेड या लाइव देखते हैं ना, इतना इतना वीडियो रिकॉर्डेड अगर देख रहा है तो फॉरवर्ड कर देते हैं। मुन्ना प्लीज़ बिल्कुल फॉरवर्ड कर मत करना, आप लोगों के जीवन के 5 मिनट जाएंगे, लेकिन ये जो लेक्चर है, अभी जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसका फ़ायदा भरपूर मिलने वाला है, भरपूर मिलने वाला है बेटा, है ना। ये चीज़ें बच्चा मिस कर देता है, इसीलिए बच्चा मेरिट नहीं आता है। मेरिट अगर आना है, अच्छा स्कोर करना है सब्जेक्ट के अंदर में, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, तो प्लीज जो मैं चारों स्टेप बता रहा हूं, वो चारों स्टेप एज इट इज फॉलो करना। हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल इसको स्किप मत करो, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जा मुन्ना, सबसे पहली वाली चीज देखो जरा, है ना, सारी चीजें बता देता हूं। और ये चीज आपने पूरे सब्जेक्ट में फॉलो करना है, पूरे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के लिए लाइकिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। सर कैसे करें लाइकिंग? उसके लिए आपको क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा, और जो भी मैं नोट्स आपको लिखने के लिए बोलूं, सारी नोट्स लिखना पड़ेगा। अगर आप ये दो चीज करोगे तो आपकी सब्जेक्ट में लाइकिंग डेवलप हो जाएगी। स्टेप नंबर टू, आपने हर टॉपिक के लिए प्रॉपर टाइम स्पेंड करना है। रीडिंग करने, रीडिंग वाला पार्ट जो है ना, मैं थ्योरी या कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो बता रहा हूं, उसके लिए आपने हर टॉपिक के लिए प्रॉपर टाइम स्पेंड करना है, फॉर रीडिंग ऑफ थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल पार्ट, बरोबर है, स्टेप नंबर टू। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं, डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि टोटली गलत है।
डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, पहले थ्योरी या कॉन्सेप्ट जो उसका रीड करो। थ्योरी कॉन्सेप्ट रीड करने के बाद में आपने एकदम शांति में स्लोली 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 क्वेश्चन रीड करना है और फिर धीरे से डिसाइड करना है एक क्वेश्चन तुझे सॉल्व करने का अप्रोच कैसा है रे, है ना। धीरे से अप्रोच डिसाइड करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चे क्वेश्चन पढ़ लेते तो बाद में फिर कुछ आता ही नहीं यार, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जब आप एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जब आप पढ़ोगे, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एटलीस्ट एक दो मिनट के लिए तो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। आपका क्वेश्चन का जो भी कंटेंट है वो कंटेंट क्वेश्चन खत्म होने तक आपके दिमाग में होना चाहिए। सर अगर नहीं रहा तो, अगर वो क्वेश्चन का कंटेंट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तक दिमाग में नहीं रहा, एग्जाम आ गया, क्वेश्चन पेपर सामने आ गया, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप जब अगली लाइन पढ़ रहे हो पिछली लाइन भूल गए, नहीं चलेगा ऐसा। एटलीस्ट वो एमसीक्यू सॉल्व करने तक, एटलीस्ट वो एमसीक्यू सॉल्व करने तक उसका कंटेंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। सर अगर नहीं रहा तो सेकेंड रीडिंग करना पड़ेगा और उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और उसके बाद स्टेप्स विजुअलाइज करना है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में टेस्ट सीरीज में कैसे सॉल्व किया था, सर ने कैसे सॉल्व किया था। और उसके बाद गुड स्पीड मेंटेन करना है और प्रॉपरली आपने आपका आंसर लिख करके जो भी करेक्ट आंसर रहेगा उसे मार्क करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप स्टडी करोगे, तब बच्चे गलती करते हैं आंसर के ऊपर डायरेक्टली जंप कर लेते हैं। डायरेक्टली आंसर मत देखो जब आप स्टडी कर रहे हो, डायरेक्टली आंसर मत देखो, डू नॉट जंप टू सी द आंसर, घाई नहीं करना है, अति घाई संकटात नहीं, ये स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री, जैसे ही आप आपका रीडिंग खत्म कर दोगे उसके बाद आपने समरी नोट्स बनाना है। पहली दो स्टेप बच्चा करता है, तीसरी और चौथी स्टेप बच्चा करता ही नहीं है। समरी नोट्स आपने प्रॉपरली बनाना है बेटा, यस और नो। सर समरी नोट्स कैसे बनाना है, मैं आपको चार्ट नोट्स बना के दे ही रहा हूं, साथों साथ आप भी बनाओगे। सर कैसे, मेरी चार्ट नोट्स मैंने दी है ना उसी टाइप की। सर टॉपिक पढ़ते पढ़ते एकदम शॉर्ट समरी हमने बनाया, एकदम शॉर्ट। जैसे सर आप समरी नोट्स बना के दोगे, 700 पेजेस का सब्जेक्ट है, आपने 200 पेजेस में दिया, सर हम 50 पेज में बनाए तो बनाओ। सर कैसे बनाएंगे, हर टॉपिक की समरी नोट्स, शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट समरी कैसे बनेगी, टॉपिक खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा, कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और उसके बाद उसी से रिवाइज करना है और एग्जाम के पहले जो आपने ऊपर समरी नोट्स बनाया था वो समरी नोट्स को फिर से रिविजिट करो एंड सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड जितने बार आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो, है ना। या तो आपने ओरली सॉल्व करना है अगर इजी एमसीक्यू है, या डिफिकल्ट है तो सॉल्व करना है, हैंड प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद सॉल्व टू और थ्री पास्ट एग्जाम पेपर, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ क्वेश्चन आयर में, वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये चारों स्टेप अगर आपने फॉलो किया तो आपको इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास होने से कोई रोक नहीं सकता, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। ये सारी चीज आपने फॉलो करना है, क्लियर है, पक्की बात। एक बच्चे ने पूछा सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा, बेटा सारे क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक नंबर के रहते हैं, प्रैक्टिकल भी आया तो वन मार्क्स, थ्योरी भी आया तो वन मार्क्स, एक 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 सब एक ऑन एन एवरेज। और अगर कोई क्वेश्चन का नंबर एक से ज्यादा रहा तो वहां पे एग्जाम में दिया रहेगा, बट जनरली ठीक है वो सारी चीजें रहेगी, ओके। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, किसी बच्चे को और कुछ डाउट है, जो भी बच्चा है लेक्चर लाइव देख रहा है प्लीज आप सभी लोग आपके डाउट पूछ सकते हो, और जो बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है तो लाइव देखने वाले मेरे बच्चे इतने खतरनाक और इतने प्यारे हैं कि वो कोई डाउट छूटने नहीं देंगे, है ना। तो रिकॉर्डेड वाले का भी भला, क्योंकि लाइव वाले डाउट पूछेंगे तो मैं पहले वो डाउट स्क्रीन पे बोलूंगा और उसके बाद उसका जवाब दूंगा, तो जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसे भी समझ में आ जाएगा सर कौन से डाउट का आंसर दे रहे हैं, यस और नो, ओके। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, ओके चलो सब बढ़िया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक बच्चे ने पूछा था, ओके ऑल सेट, चलो ओके आ जाओ आगे बढ़ते। यस एक बच्चे ने बोला सर निगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 है सोनिया मैडम। एक बच्चे ने सवाल पूछा सर इस सब्जेक्ट के अंदर में निगेटिव मार्किंग है क्या, जी हाँ मैम निगेटिव मार्किंग इस सब्जेक्ट के अंदर में रहेगी। अगर आपके चार आंसर्स गलत हो जाते हैं तो आपका एक नंबर कट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर चार क्वेश्चन सॉल्व किए, ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत हो गया, तो इसके लिए आपका 0.25 माइनस होगा, बरोबर है क्या,
पर क्वेश्चन 0.25, और ये तीनों सही आ गए तो इसके लिए एक नंबर मिलेगा, इसके लिए एक, इसके लिए एक मिलेगा। टोटल कितना हो गया बेटा आपका? ये गलत हो गया था, ये सही था, ये सही था। तो सही क्या हो गए? एक दो तीन, तीन में से 0.25 चले गए। बोलो बेटा बचा कितना? 2.75 मार्क्स आपको मिलेंगे। हर एक गलत क्वेश्चन होने पे आपका 0.25 माइनस होगा, और हर एक सही क्वेश्चन आने पे आपको एक नंबर मिलेगा। क्लियर? एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर टेस्ट सीरीज का अलग से चार्ज है क्या? ना मुन्ना, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन आयर, चार्ट बुक, रेगुलर बुक सब इसी के अंदर में है, अलग से उसका चार्ज नहीं है। डन, ओके। एक बच्चे ने लिखा आसकोड़ा, आसकोड़ा का मतलब बता देता हूं, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। ये मैं बार बार पूछते रहता हूं, असकोड़ असकोड़ असकोड़, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, बराबर है? जैसे डाउट आए तब के तब पूछ लेना है, पेंडिंग मत रखना, ताकि रिकॉर्डेड वाले बच्चे का भी कोई डाउट अनसॉल्व ना रहे, लाइव वाले बच्चे सारे पूछ ही लेते डाउट, ठीक है। अब ये समझ में आया नेगेटिव मार्किंग का। अब स्टडी प्लानर कैसे करना है ना, ये पहला वाला टॉपिक है। इसकी रीडिंग वन आप मेरे साथ साथ करोगे, रीडिंग टू आप टेस्ट सीरीज के समय करोगे, रीडिंग थ्री आप जब ये मैराथन लेक्चर्स में आके बैठोगे तब करोगे, और रीडिंग फोर एग्जाम के जस्ट पहले। पहली रीडिंग में अगर आपको टाइम लग रहा है 10 घंटा कोई एक टॉपिक को, सेकंड रीडिंग में लगेगा सिर्फ 5 घंटा, थर्ड रीडिंग में 1 घंटा, और सेम 10 घंटे की चीज एग्जाम के समय 15 मिनट में होती है, क्योंकि एग्जाम के समय आपके अंदर में सुपर नेचुरल पावर आ जाती है ना। इसीलिए देखो, साल भर का पढ़ा हुआ आप एग्जाम सेंटर के बाहर झाड़ के नीचे बैठ के खड़े खड़े 15 मिनट में पढ़ लेते हो। यस और नो? क्लियर है? सो एग्जाम के समय आपकी जो फोर्थ रीडिंग है, इसे लर्निंग कर्व थ्योरी कहते हैं। जैसे आपकी मॉम घर पे, आप बोलते हो मम्मी को, मम्मी रोटी बना के दे, तो 2 मिनट में रोटी बना के दे देती है, लेकिन आप अगर रोटी बनाओगे तो आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि मम्मी काफी समय से रोटियां बना रही है। लर्निंग कर्व थ्योरी कहते हैं इसको, लर्निंग कर्व थ्योरी। जिस चीज को आप बार 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 करते हो, तो हर अगली बारी में पिछले बारी से कम समय लगता है, हर अगली बारी में पिछले बारी से कम समय लगता है, इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व थ्योरी। यस और नो? उसी थ्योरी का मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूं, उसी के साथ साथ हम लोग करेंगे। सो आफ्टर क्लास एट द टाइम ऑफ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट होगा मैराथन के समय, आपकी चार रीडिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर है? डन, ओके। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर कोई स्पेसिफिक वेटेज है क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल का? सर थ्योरी कितने मार्क्स की आती है और प्रैक्टिकल? मुन्ना कुछ फिक्स नहीं है, अगर ICSI के प्रेसिडेंट का भी लड़का या लड़की है, उसका रिलेटिव है, दोस्त या रिश्तेदार है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो भी उन्हें भी पता नहीं रहेगा कि वेटेज किसका कितना है। बट ऑन एन एवरेज ऐसा समझो 60 का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 60 मार्क्स का, और ये आपकी 40 मार्क्स की करीब करीब थ्योरी आ जाती है। थ्योरी क्वेश्चन करीब करीब 40 मार्क्स के है ना, 40-60 पर समझ के चलो, थ्योरी प्रैक्टिकल के, प्रैक्टिकल ज्यादा आ जाता है। कभी कभी कोई कोई एग्जाम में थ्योरी 50 और प्रैक्टिकल 50 ऐसा भी आया है ना, तो इसके बारे में हम लोग बोल नहीं सकते। बट डोंट वरी, मैं आपके थ्योरी प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन करवा के लूंगा। डन, चलो। सो इसी के साथ मैं मेरा सबसे पहला वाला, आप सभी का और मेरा फेवरेट टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वाला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, आप सभी ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना है। जो फेयर नोटबुक है, जो रजिस्टर है, अपने अपने हथियार हाथ में ले लो, और फेयर रजिस्टर नोटबुक ओपन करके उसमें गॉड, अल्लाह, भगवान, जिस किसी को भी आप मानते हो, फटाफट से आपने टॉपिक का नाम लिखना है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहला वाला टॉपिक है, टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं। प्लीज, अगर किसी बच्चे ने बचपन में बेसिक पढ़ा होगा, इन केस अगर कोई 11th 12th कॉमर्स वाला बच्चा होगा, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आज तक जो भी कुछ पढ़ा है उसे थोड़े समय के लिए साइड में रखना। और आपने मुझ पर भरोसा किया है, आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो बस सारी चीजें हैं, 10 साल से अकाउंटिंग ही पढ़ा रहा हूं, जीवन में यही सब कुछ किया, CACS कोर्स जब मैं साथ साथ कर रहा था तब भी यही सब्जेक्ट में डेवलपिंग ये था, डेवलपमेंट मैंने किया था और लाइकिंग भी थी। तो प्लीज भरोसा रखना, और जो मैं बता रहा हूं उसे आंख बंद करके फॉलो करना। अगर बोलो बिल्डिंग से कुछ जाओ तो कुछ जाना, डोंट वरी, ऐसा बोलने वाला नहीं हूं, मिसाल दे रहा था कि इतना भरोसा रखना, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यो, एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर रजिस्टर कितने पेजेस का रखना है? रख ले 200-250 पेजेस का, है ना, लगा तो और ले लेंगे। 100 पेज का अगर होगा तो 100 पेज से स्टार्ट करो, वो खत्म होने के बाद और अगला ले लेंगे। चलो स्टार्ट करो बेटा, मैं और कोई मेरा प्यारा बच्चा। सो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम लोग सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। हमारे दो पार्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर में, कॉर्पोरेट एंड
मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे पहला वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके बगैर हम लोग सब्जेक्ट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। प्यार से आप लोग इसको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपके मॉड्यूल के अंदर का टॉपिक है क्या? हाँ जी हाँ, काफी बार बच्चे बोलते हैं सर इंट्रोडक्शन ही मॉड्यूल में है क्या? हाँ, जितना भी अब आज के बाद में पढ़ाने वाला हूं वो सब आपके मॉड्यूल का कंटेंट है। उसे मैं आसान भाषा में आपको समझ में आए वैसी लैंग्वेज में बताऊंगा और आपसे सारी चीजें करवा के लूंगा। मॉड्यूल में एमसीक्यू नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों से सारे एमसीक्यू लेक्चर में ही सॉल्व करवा के लूंगा। डन, पक्की बात? चलो आ जाओ, स्टार्ट कर दो बेटा मैं। सो अच्छे से ध्यान देना, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा सबसे पहला वाला सब्जेक्ट है, सबसे पहला वाला टॉपिक है बेटा इस सब्जेक्ट का। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर में बेसिकली करना क्या है, जैसे आप लोगों ने आज तक जितने भी बार सुना होगा अकाउंटिंग की, जब भी बात आती है तो है ना, अकाउंटिंग बोलते दिमाग में एक ही चीज आती है, हिसाब किताब रखना। तो जी हाँ, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। इन लेमन्स लैंग्वेज हिसाब किताब रखना मतलब क्या है? अकाउंटिंग, हाँ, 11th 12th में अगर किसी बच्चे ने डेफिनेशन पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, छोड़ दे उसको, अभी नहीं देखना है, सारी चीजें वापस बताऊंगा, बस अभी अच्छे से ध्यान दो। एक चौथी का बच्चा आपके पास में आया, भैया भैया दीदी दीदी अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो आप उसको क्या बोलोगे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, हाँ ये नहीं बोलना है उसको, आप प्यार से बोलोगे इधर आप बैठ, अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना है? ट्रांजेक्शंस का। सर ट्रांजेक्शन मतलब व्यवहार, सर कहां पे होते हैं व्यवहार? बिजनेस में, यस और नो? सो बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शंस है उन सारे ट्रांजेक्शंस का हम लोगों को हिसाब किताब रखना है, बस उसी के लिए हम लोगों को अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। चलो आ जाओ यार फटाफट से, मैं बता रहा हूं। सो सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर ये वाली जो नोट्स है, ये वाली नोट्स आपके पास में अगर आपने लेक्चर लिए होंगे तो आपके पास आ गई होगी, अगर आप ये लेक्चर YouTube पे देख रहे होगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, अगर आपने हार्ड कॉपी लिया होगा तो उसकी हार्ड कॉपी आपके पास आ गई होगी, अगर आपने सॉफ्ट कॉपी लिया होगा तो आपके मेल पे सॉफ्ट कॉपी आ गई होगी, तो आप सभी के पास ये लेक्चर्स की नोट्स अवेलेबल है, राइट? मैंने सारे ऑप्शन बता दिए, पेनड्राइव वाले के पास हार्ड कॉपी अगर लिया होगा तो हार्ड कॉपी में आया होगा, है ना? अगर जो बच्चा YouTube पे देख रहा है तो आपको YouTube में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस नोट्स का लिंक, अगर सॉफ्ट कॉपी लिया होगा तो आपके मेल में आ जाएगा। चलो, सो सबसे पहले नंबर वाला हमारा टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डन, सर हमें ये लिखना है क्या? नो, ये नोट्स आपके पास में है, अगर कोई लिखने वाली चीज है तो मैं आपको वो बोल दूंगा, क्लियर? सो आ जाओ, आज हम लोग क्या क्या देखने वाले बेटा, ये इतनी सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आज कवर करें, ठीक है? चलो, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सब लोग सही जा रहे हो। सो बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उन सारे ट्रांजेक्शन का हम लोगों को हिसाब किताब रखना है, बस उसी हिसाब की किताब को हम लोग इस क्लास में बनाने वाले हैं, क्लियर? उसी हिसाब की किताब को हम लोग इस क्लास में बनाने वाले हैं, क्लियर? पक्की बात? डन, चलो आगे। ओके, आ जाओ यार, चल। सो मुन्ना ध्यान देना, सो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करो, आसान भाषा में इन लेमन्स लैंग्वेज अकाउंटिंग का मतलब होता है, लेमन्स लैंग्वेज हिसाब किताब रखना, अकाउंटिंग का लेमन्स लैंग्वेज में आसान भाषा में गावरान भाषा में मतलब क्या है बेटा? हिसाब किताब रखना, ठीक है? ज्यादा मैं डिटेल में इसके अंदर में जाऊंगा नहीं, बस इतना ही आपने अभी ध्यान रखना है, बरोबर है? इन लेमन्स लैंग्वेज बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज की बात करूं तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग मतलब क्या? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। कहां पे रिकॉर्ड करना है बेटा, बोलो फटाफट से, कहां पे रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन को? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कहां पे रिकॉर्ड करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है। सर क्लासीफाई क्यों करना है? अब सोचो, मेडिकल शॉप पे आप 2 रुपए की क्रोसिन लेने गए और दुकान वाले भैया को बोला, भैया ये ले 2 रुपए और दे मुझे क्रोसिन, और उसकी शॉप पे सारी दवाइयां एक ही जगह पे ऐसी कचरे के टाइप पड़ी है एक के ऊपर एक, बोलो क्रोसिन ढूंढ पाएगा क्या? अगले साल तक नहीं ढूंढ पाएगा। बट आप 2 रुपए की क्रोसिन मांगते हो और उसके पास जाते हो तो 1 मिनट में क्रोसिन निकाल के देता है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ये वर्ड क्लासिफिकेशन। उसकी मेडिकल शॉप पे सारी दवाइयां उसने प्रॉपरली क्लासिफाई करके रखी है। सो 1 रुपए की 2 रुपए की क्रोसिन भी लेने आप गए तो आपको 1-2 मिनट के अंदर में दे देगा।
एंड समराइजिंग। तो वैसे ही हम लोग सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को सेपरेटली क्लासिफाई करके रखेंगे और लास्ट में समराइज करेंगे। सर समराइज क्यों करना है? क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैनेजर्स लोग जो है ना, उनके पास टाइम नहीं है, तो उन लोगों को समरी रिपोर्ट चाहिए ताकि फटाफट से सारी इंफॉर्मेशन शॉर्टकट में मिल जाए और वो डिसीजन ले पाए। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे विच वी कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ, या फिर उस ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब क्या रे बेटा, ध्यान देना, अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ वही ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करेंगे, वही ट्रांजेक्शन या वही इवेंट्स का अकाउंटिंग करेंगे विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर। एटलीस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में मेजर करते आना चाहिए, दैट्स इट। एंड सर लास्ट में इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रिट करना मतलब, अब भैया अकाउंटिंग करके क्या पूजा करोगे उसकी? अकाउंटिंग करने के बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रिट करना है और उससे हमें जो भी ज्ञान मिलेगा उसको हम लोग प्यार से रिजल्ट बोलेंगे। इंटरप्रिटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, सर रिजल्ट इंटरप्रिट करके क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर इंफॉर्मेशन से क्या करोगे? डिसीजन लोगे। सर कैसे डिसीजन? जैसे मैंने धंधा शुरू किया, एक साल खत्म हो गया, अकाउंटिंग किया, रिजल्ट्स मिले, इंटरप्रेट किया और उसमें से समझ में आया कि चार ब्रांचेस ओपन किया, उसमें से एक ब्रांच के अंदर में लॉस ही हो रहा है, एक तो वो ब्रांच बंद कर दूंगा, डिसीजन ले लूंगा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद। इन्फॉर्मेशन कैसे मिला? इंटरप्रेट करने के बाद। या तो वहां के मैनेजर को पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल दूंगा, दूसरा मैनेजर रखूंगा। सो आज के तारीख में हमें डिसीजन लेने के लिए चाहिए इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से। कैसे? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे। कैसे? वही तो मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। क्लियर है? सो ये टेक्निकल डेफिनेशन सिर्फ रीड करके हल्की सी स्माइल लेके अभी छोड़ देना है, अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन? चलो आगे, पक्का? चल उसके बाद आगे बढ़ रहा बेटा, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से। आपके मॉड्यूल का सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अकाउंटिंग की बात चल रही है, आपके मॉड्यूल का सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आ जाओ बस, उसके बाद सबसे पहले ये देख लेना, नीड ऑफ अकाउंटिंग। जरूरत क्या है बेटा अकाउंटिंग की? जरूरत क्या है? कोई हॉबी है? चलो क्रिकेट खेलते आज, चलो बैडमिंटन खेलते, चलो अकाउंटिंग करते। नो, हॉबी नहीं है, जरूरत है, मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको अकाउंटिंग करना पड़ रहा है? सबसे पहली मजबूरी, बिजनेस के हजारों ट्रांजेक्शन्स है, सारे ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है, पहली जरूरत। ट्रांजेक्शन लिख करके रखेंगे क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन में याद करके नहीं रख सकता हूं, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा, पहली जरूरत। दूसरी, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, बिजनेस की औकात जानने के लिए। जंजीर पिक्चर में अमिताभ बच्चन बोल रहा था ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, सामने वाला हीरो कहता है। यस और नो? मानता हूं माँ अनमोल है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग माँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। सो बिजनेस की औकात अगर जानना है, बिजनेस में कितनी संपत्ति है, बिजनेस को किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सारी चीजें अगर जाननी है, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल पोजीशन कहां से समझ में आती है? बैलेंस शीट से। सर बैलेंस शीट क्या होती है? देखेंगे आगे, चिंता मत करो। डन? और क्या जरूरत है? और क्या जरूरत है? अगली जरूरत है बिजनेस का परफॉर्मेंस जानने के लिए। सर परफॉर्मेंस मतलब क्या? बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कैसे समझेगा? एक स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है। सरकार हमसे तरह तरह की इंफॉर्मेशन डिमांड करती है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी दो, आपकी सेल्स रिपोर्ट दो, आपकी परचेस रिपोर्ट दो, आपने किससे कितना माल लिया, है ना? ओनर को इंफॉर्मेशन चाहिए, धंधे के ओनर को, धंधे के मालिक को धंधे की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है तो अकाउंटिंग करके रखना पड़ेगा। बगैर अकाउंटिंग के आपको इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? और जब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो कम्युनिकेट किसको करोगे? और भी बहुत सारे रीजन है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, खर्चे कितने, इनकम कितने, ऐसे हजारों रीजंस है जिसकी वजह से मुझे अकाउंटिंग करना पड़ता है। इसी को हम लोग प्यार से नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकाउंटिंग बोल सकते हैं, नीड फॉर अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। यस और नो? उसके बाद आगे चलते हैं। अब जब अकाउंटिंग कर ही रहे मुन्ना, प्लीज ध्यान दे देना, तो अब मैं आपको सबसे पहली स्टेप अकाउंटिंग की, फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप, जिसका नाम है बुक कीपिंग, उसके बारे में बताना चाहूंगा। अब अच्छे से ध्यान दे दो सब लोग प्लीज। अब जो भी मैं लिखवा के दे रहा हूं वो आपने लिखना है, अब जो भी मैं लिखवा के दे रहा हूं वो आपने लिखना है। सब लोग साथ में बेटा आ जाओ, चलो देखो तो आ जाओ बेटा, सुनना
हेडिंग दे दो ऊपर में, है ना, सारी नोट्स आपके पास में है। अब कुछ चीजें मैं लिखवा के दे रहा हूं, है ना, उसके बाद फिर से मैं अपनी स्लाइड्स पे आ जाऊंगा, फिर से पीपीटी पे आ जाऊंगा, फिर से नोट्स पे आ जाऊंगा। पहले कुछ चीजें लिख लो। बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आ जा मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना सारी चीजें, है ना बेटा, काम की चीजें अच्छे से ध्यान दे दो। चल आ जाओ, आ जाओ। ओके 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 चल, यस। अच्छा यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? एनी बड़ी? ओके, ऑल सेट, ऑल सेट। ओके ग्रेट, चल आगे बढ़ रहे। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में अभी अभी हमने क्या देखा बेटा? अकाउंटिंग का मतलब देख लिया आसान भाषा में। आसान भाषा में इन लेमन्स लैंग्वेज अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। प्लीज लिखो, जो भी मैं लिखवा के दे रहा हूं वो सारी चीजें लिख लो। किसका? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। किसका? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। सर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या? अगर कोई इवेंट या सिनारियो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल करता है तो उस सिनारियो को प्यार से मैं फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलूंगा, है ना। अब आपका सवाल ना, सर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या? ट्रांजेक्शन मतलब व्यवहार। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या? तो ऐसा ट्रांजेक्शन विच वी कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ। उस ट्रांजेक्शन को प्यार से मैं क्या बोलूंगा? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन से सिनारियो का, कौन से इवेंट को हम लोग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे? मनी और मनीज वर्थ में अगर कुछ इनफ्लो हुआ तो मनी, मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में अगर कुछ इनफ्लो हुआ, या फिर पैसा या पैसे की कीमत में मनी और मनीज वर्थ में कुछ आउटफ्लो हुआ, कुछ आउटफ्लो हुआ, लिख राजेश खन्ना काम का ये, या फिर मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो भी हुआ और आउटफ्लो भी हुआ, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो सिनारियो को प्यार से मैं फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलूंगा। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड, बोलो बेटा, तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हुई तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। और उसे हमें क्या करना पड़ेगा? नीड टू रिकॉर्ड। उसे हमें क्या करना है बेटा? नीड टू रिकॉर्ड। सर कहाँ रिकॉर्ड करना है? सर पे मेरे? नो, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? हाँ सर। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग के रूल हम लोग आज देखेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल, जितना हमारे पास समय है उतने समय के अंदर में हम लोग जितना आज ज्यादा में ज्यादा कवर करने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा हो पाए उतना कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा। डन, चलो आगे। ग्रेट, वेरी गुड। सो यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं था, है ना? डाउट रहा तो तुरंत के तुरंत लिखना है आपने। सो ये तो समझ में आ गया, अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना बेटा? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का। बरोबर है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने बता दिया। उसके बाद क्यों अकाउंटिंग करते हैं ये भी हमने देख लिया क्या? नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये हमने देख लिया। यस ये देख लिया। कहां पे? स्लाइड्स में। कहां पे देखा? स्लाइड्स में, है ना। सर क्या क्या नीड थी और ऑब्जेक्टिव थी एक बार जरा बता देना, तो हमको चेक करना है आपको याद है कि नहीं। जी हाँ अभी बता देता हूं बेटा। पहला, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस के इतने सारे व्यवहार है, ट्रांजेक्शन है, याद नहीं रहेंगे इसलिए रिकॉर्ड करके रखता हूं। दूसरा, फाइनेंशियल पोजिशन जानने के लिए। तीसरा, परफॉर्मेंस जानने के लिए। चौथा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए। पांचवा, किससे कितना लेना है। छठा, किसको कितना देना है। इनकम कितनी है और एक्सपेंस कितने हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव है या नीड है, मजबूरी है, करना जरूरी है, लॉ ने भी बोला है, स्टैट्यूटरीली भी रिक्वायर्ड है। अब अच्छे से ध्यान दे दो, जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एज यू ऑल ऑफ यू नो। आप सभी को मालूम है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और कोई भी लैंग्वेज को समझना है तो उसकी बेसिक टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? जोमैटो, इधर ध्यान दे बेटा, काम की चीज है। सो अकाउंटिंग की भी कुछ बेसिक टर्म्स है क्या? जी हाँ, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की भी काफी सारी बेसिक टर्म्स है।
तो बगैर बेसिक टर्म के हम लोग सब्जेक्ट आगे बढ़ा सकते हैं क्या? नो, बगैर बेसिक टर्म के सब्जेक्ट आगे बढ़ नहीं सकता। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहली बेसिक टर्म बताने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान दे दो बेटा, आ जाओ। हाँ, ये अपनी स्लाइड दिख रही है बेटा सभी को। सो सबसे पहली बेसिक टर्म है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में हमने देख लिया। इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होता है, इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होता है, तो सिनारियों को प्यार से मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा? उस सिनारियों को प्यार से मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बोलूंगा। डन, आ जाओ। कंडीशन वन, कंडीशन टू या कंडीशन थ्री, या तो इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है मनी और मनी जरूरत में, या तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों भी हो रहा है। ठीक है, इफ देयर इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कंडीशन नंबर थ्री, तो उस सिनारियो को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और हमें उसे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना होगा। अगली बेसिक टर्म है बेटा बिजनेस। बिजनेस यानी क्या? सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस, एक ही काम में बार 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 कर रहा हूं, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एक ही काम को मैं बार बार कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो उस काम को मैं प्यार से बोलूंगा मैं धंधा कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, है ना, प्रॉफिट मोटो के लिए। सर अगर प्रॉफिट मोटो नहीं है तो फिर उसे बिजनेस में बोलेंगे, उसे वो समाज सेवा हो जाएगा। देन गुड्स, जिस चीज में हम लोग डील करते हैं उसे बोलते हैं गुड्स। कंप्यूटर बेचने का काम है मेरा, तो मेरे लिए गुड्स क्या हो गया? कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, है ना, ये सब मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। किराना दुकान है तो गेहूं, चावल, शक्कर, आटा, नमक, तेल, ये मेरे लिए हो गया गुड्स। ज्वेलरी शॉप है तो गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, जो भी डायमंड्स है, मोती है, हीरे, मोती, जौहरात, ये सब मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। मतलब हर वो चीज जो मैं खरीद रहा हूं या बना रहा हूं धंधा करने के लिए या फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल, उसे मैं बोलूंगा गुड्स। उसके बाद एसेट, एसेट को टेक्निकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, है ना, टेक्निकल टर्म के पहले मैं जनरल मीनिंग बता देता हूं, है ना। जनरल मीनिंग, बिजनेस का हर वो रिसोर्स जिसका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर में भी मिलने वाला है, उसे प्यार से कहते हैं एसेट। बच्चों में एक बार बता देता हूं, दिस साइड सीएसीएस हरीश मतारिया, एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल टू का कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है, और ये सब्जेक्ट मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूं इन गावरान लैंग्वेज, आसान भाषा में। अगर सब्जेक्ट में 80+ जाना है तो प्लीज बेसिक को अंडर एस्टिमेट मत करना, इसके भरोसे आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक है ना। सो असेट आसान भाषा में प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, या फिर बिजनेस का हर वो रिसोर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में है और उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, उन सारे रिसोर्सेस को प्यार से मैं असेट बोल दूंगा। जैसे अभी ये मेरा ऑफिस है, मेरे लिए असेट है, मैं बिजनेस कर रहा हूं ऑफिस की मदद से। ये लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम लगाया हुआ है, ये मेरे लिए असेट है। कैश असेट है, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब मेरे लिए क्या है? असेट है, क्योंकि इन सभी का मुझे बिजनेस में यूज होने वाला है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। सो असेट इन टेक्निकल टर्म्स, रिसोर्सेज जो मेरे कंट्रोल में है पास्ट इवेंट की वजह से आए। अब ये कंप्यूटर सिस्टम पास्ट इवेंट की वजह से आया, क्या हुआ था पास्ट में? ऐसा मैंने खरीदा था इसको, तो खरीदना वॉज द इवेंट, मैंने खरीदा था, पास्ट इवेंट की वजह से ये सिस्टम मेरे पास आया, मेरे कंट्रोल में, और इससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा है ना, तो इसीलिए ये सिस्टम मेरी असेट है, ये फर्नीचर मेरा असेट है। जनरल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक है बिजनेस का, लैंड है, बिल्डिंग है, डेटर्स, डेटर्स यानी क्या? हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर पैसा लेना है। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, बाहुबली मेरा डेटर बन गया, है ना, मेरी असेट है, मुझे उससे पैसा लेना है। सो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उसी को हम लोग प्यार से बोल देंगे एसेट। मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं प्लीज प्लीज अच्छे से ध्यान दो। मुझे मालूम है काफी बार बच्चे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स को स्किप करते और बाद में एग्जाम के समय जोमेटो की तरह इधर उधर घूमते, अब मैं क्या करूं? हाँ, है ना सर, ये बेसिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, ये जो सबसे पहले नंबर वाला चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें बेसिक ही बेसिक है। सो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, बेसिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ड्रॉइंग, ओनर जब भी बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है पर्सनल अपने जेब से मनी और मनी जरूरत है, तो उसे बोलेंगे कैपिटल। और ओनर जब पर्सनल पर्पस के लिए, है ना, ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए बिजनेस से पैसे लिए, विड्रॉल हो गया, ड्रॉइंग। ओनर ने घर का किराना लाने के लिए बिजनेस से पैसे लिए, ड्रॉइंग।
ओनर ने शॉप में जो एसी लगा हुआ था वो एसी निकाल के घर पे लगा दिया, एसी निकाल के लेके गया पर्सनल पर्पस के लिए, ड्रॉइंग। सो ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कोई असेट, गुड्स या असेट या कैश लेके जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग। और ओनर जब अपने जेब से बिजनेस में कुछ लगाता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। डेटर ऐसी पार्टी या पर्सन जिससे हमें लेना है ना। एक्सपेंसेस बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी हम लोग पेमेंट्स करते हैं उनको हम लोग प्यार से बोलते हैं एक्सपेंसेस। लॉसेस हमने खर्चा तो कर दिया, पेमेंट तो कर दिया बट बेनिफिट नहीं मिला, क्या हो गया? लॉस। जैसे पैसा डूब गया, आग लग गई, माल जल गया, लॉस हो गया। उसके बाद लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। मैंने बैंक से लोन लिया, चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटी है, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। मैंने आपको बोला आप सब मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ जाओ, मैंने आपको खाना ही नहीं खिलाया, ये मेरी सोशल ऑब्लिगेशन थी, फिनेंशियल नहीं। लेकिन मैंने बैंक से लोन लिया और अब बोला जा मैं लोन वापस ही नहीं देता, मैं तो विजय माल्या बन गया, नहीं चलेगा। सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, वापस करना पड़ेगा। मनी और मनी मेजर कर सकते हैं उसको, यस और नो। देन उसके बाद कैपिटल, ओनर का जो कुछ इन्वेस्टमेंट इन मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन टू द बिजनेस। क्रेडिटर डेटर के अपोजिट, डेटर बाहुबली को उधारी में माल बेचा, मुझे बाहुबली से इन फ्यूचर पैसा लेना है, बाहुबली मेरा डेटर है। क्रेडिटर मैंने कटप्पा से उधारी में माल खरीदा, मुझे इन फ्यूचर कटप्पा को पैसा देना पड़ेगा, तो हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मैं इन फ्यूचर कुछ देने वाला हूं क्रेडिटर। इनकम बिजनेस की जो ऑपरेटिंग रिसीट है, धंधा करके जो भी मेरे पास रिसीट आती है, जो मुझे किसी को देना नहीं, जो मेरा अपना है, उसे मैं क्या बोलूंगा? इनकम। उसके बाद ये सारे ट्रांजेक्शन्स मुझे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे क्या बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं? हाँ, ये सारे ट्रांजेक्शन्स आई हैव टू रिकॉर्ड, ये सारे ट्रांजेक्शन्स मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो मार पड़ेगी, नंबर नहीं मिलेगी एग्जाम में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको आपके बिजनेस की सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, तो रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा क्या? यस। और रिकॉर्डिंग को टेक्निकली हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग। जितनी चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मैंने मल्टी कलर पेन क्यों बोला था आपको? समझ में आया मल्टी कलर पेन क्यों बोला? सो मल्टी कलर पेन साथ में रखना है, जो भी चीजें मैं हाईलाइट करूँ वो आपने भी हाईलाइट करके रखना है, ठीक है? आ जाओ सर, जर्नलाइजिंग मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। जी हाँ सर, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर डेबिट क्रेडिट के रूल्स कब बताएंगे? बताऊंगा बताऊंगा, सबर करो, शांता भाई रिलैक्स, सारी चीजें देखने वाले। देन परचेज, परचेज का मतलब क्या है? जैसे सब्जी वाला है, अगर वो बोल रहा है मैंने माल खरीद लिया तो उसने क्या खरीदा होगा? सोना चांदी? नो, सब्जियां। ज्वेलरी शॉप वाला है, अगर वो बोल रहा है मैंने माल खरीद लिया, परचेस किया, क्या खरीदा होगा? सब्जी? नो, सोना चांदी, यस और नो। सो परचेस मींस परचेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरर है तो वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, ट्रेडर है जैसे किराना शॉप तो तैयार माल यानी फिनिश गुड्स यानी गुड्स खरीदेगा। सो परचेस का मतलब होता है परचेस ऑफ गुड्स, जिस चीज में आप डील कर रहे हो आपने उसे परचेस किया, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, परचेस मींस परचेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल जो कि मैं यूज करने वाला हूं फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल। उसके बाद सेल, सेल का मतलब क्या होता है बेटा? सेल का मतलब माल बेच देना, सेल ऑफ गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर कर देना। आप आगे जाके लॉ जब पढ़ोगे ना, या फिर आपने बचपन में पढ़ लिया होगा सी सेट के अंदर में, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें कंडीशन है ना, ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप मस्ट बी इन गुड्स एंड फॉर कंसिडरेशन। फोकट में दिया तो सेल नहीं, गिफ्ट हो गया। फोकट में दिया तो वो सेल नहीं हुआ, फिर वो क्या हो गया? गिफ्ट हो गया। यस और नो? क्लियर है? सो सेल मींस सेल ऑफ गुड्स। सारी बेसिक बेसिक टर्म है, सिंपल सिंपल एकदम आसान भाषा में लिखी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंटरी, अच्छे से ध्यान देना। इन्वेंटरी का मतलब क्या है बेटा? इन्वेंटरी बेसिकली आसान भाषा में स्टॉक और अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक और अनसोल्ड गुड्स और अनयूज रॉ मटेरियल, ऐसा माल जो अभी तक बिका नहीं या ऐसा मटेरियल जो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया नहीं, उसे हम लोग बोलेंगे इन्वेंटरी और स्टॉक, है ना? और उसके बाद अब इसके ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर इसके बगैर इसके बगैर पेपर कभी भी खत्म नहीं होता। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आज के लेक्चर में मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करने वाला हूं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज मिस मत करना, लिख लो मुझसे अभी के अभी, अंगूठा लगवा लो, साइन कर लो, लिख लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। आपके एग्जाम में कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, आपके एग्जाम में कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। चलो आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेसिक टर्म्स हम लोग देख रहे थे, अब बेसिक टर्म में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिक टर्म्स कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, स्लाइड्स में। स्लाइड्स आपके पास है क्या? हाँ आपके पास है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो लिखवा के दे रहा हूं ये आपने लिखना है क्या? हाँ। चलो आ जाओ सब लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ खास चीजें बताऊंगा, अच्छे से ध्यान देना है, चलो मिस नहीं करना है, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब अभी का लेक्चर देखते ही आप लोगों का एग्जाम में 2 नंबर तो मिनिमम फिक्स हो जाएगा। कितना नंबर फिक्स हो जाएगा? मिनिमम 2 मार्क्स। अच्छे से ध्यान देना बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहा हूँ, प्लीज आ जाओ, प्लीज 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 सब लोग ध्यान दो। सर जब भी आप पढ़ाओगे तो आप हमें साथों साथ बताओगे क्या, कैसे पढ़ाई करना है? हाँ सर, जब भी आप पढ़ाओगे तब आप हमें बताओगे क्या, नोट्स कैसे मेंटेन करना है? हाँ सर, जब भी आप पढ़ाओगे तब हमें आप बता दोगे क्या, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? हाँ, उसके लिए आपको पूरा लेक्चर पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखना है। अगर आप लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, अगर आप सेकेंड थर्ड टाइम देख रहे हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। सारी इंस्ट्रक्शन मैं लेक्चर में देता हूँ, लेक्चर के साथ साथ देता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, सो प्लीज मिस मत करना, आ जाओ। चल सो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है बेटा। मैं सबसे पहले इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपकी आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। पहले सेंटेंस में मैंने मेरे बिजनेस पर्पस के लिए मोबाइल फोन खरीदा 50,000 का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे बिजनेस पर्पस के लिए लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने मेरे बिजनेस पर्पस के लिए फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने मेरे बिजनेस पर्पस के लिए कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एक सेकेंड, ये कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, एसी, ये तो सब असेट है। हाँ सर, फिर आप ये असेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट पैदा होती है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट की वैल्यू बढ़ती है। सो कार खरीदना, मेरे बिजनेस में असेट आ गई, संपत्ति, कार, प्रॉपर्टी, कार, कार असेट है, लॉन्ग टर्म असेट है। सर लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक बिजनेस में यूज होने वाली है। कार कोई 4-6 महीने या 1 साल के लिए खरीदता है क्या? नो, कार लंबे समय के लिए बिजनेस में यूज होने वाली है, मेरी लॉन्ग टर्म असेट है, मेरी कैपिटल असेट है। कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म असेट, फिक्स असेट, उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए, तो वो जो 10 लाख दिए ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसी के लिए 50,000 रुपए दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपए दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब थोड़ा बहुत आइडिया आया कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, सो आ जाओ अच्छे से ध्यान देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल चीजें लिख रहा हूं, एग्जाम में इसके ऊपर कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, मिस मत करना है ना। चलो आ जाओ, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं तो यहां पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट इंक्रीज हो जाती है, या फिर एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस, इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज बढ़ जाएगी। सो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, कोई तो एक चीज बढ़ जाएगी। सही बोल रहा हूं सर? 2 मिनट्स नो 15 मिनट्स बस। हाँ सर 2 सेकेंड, हाँ बिल्कुल खाएंगे सर, यही टिफिन है, हाँ हाँ लेना। सो
अच्छे से ध्यान देना बेटा, सर कौन था कौन था कौन था? विकास वोरा सर थे, है ना? आए तो 2 सेकंड के लिए बात करना पड़ता है ना। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके बिजनेस में असेट पैदा होगी या एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या इफिशियंसी या परफॉर्मेंस बढ़ेगा। चेयर 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 कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो असेट पैदा होगी या एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस बढ़ेगा, यस और नो? कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो असेट पैदा होती है उसे कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सर आप अभी चेयर चेयर क्यों चिल्ला रहे थे? अरे बाबा, अगर मैंने नई चेयर खरीदी तो वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना। 15,000 की चेयर खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ क्लियर है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो असेट पैदा होती है उसका बेनिफिट हमें कब तक मिलेगा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, यस और नो? क्लियर है, ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, डन। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर से। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल, कार परचेस किया 10 लाख रुपए का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर परचेस किया, बिजनेस में लंबे समय तक यूज होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यस और नो? ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म यूज, LTU, लॉन्ग टर्म यूज। सर मेरा फर्नीचर बेचने का काम है, मैंने फर्नीचर परचेस किया फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल, तो वो फर्नीचर वहां पे लॉन्ग टर्म असेट नहीं है, वो गुड्स है, नियर फ्यूचर में बेचने वाले हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म यूज के लिए अगर मैं कोई असेट खरीद रहा हूं या एग्जिस्टिंग असेट को मॉडिफाई कर रहा हूं या मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस, मेरे पास एक बाइक थी जिसमें सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं था, अब खर्चा करके बटन लगवा दिया, तो एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या इफिशियंसी या परफॉर्मेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा, तो मॉडिफिकेशन एक्सपेंस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यस और नो? तो ये सारी डिटेल थी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, यस और नो? डन। आज जो पढ़ाया उसमें 10% भी समझ में आया होगा तो भी मोर 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 देन सफिशियंट है, चिंता करने वाली बात नहीं है। ऑलरेडी मैं बदनाम हूँ एक ही चीज को चार चार बार बताने के लिए, है ना? तो चिंता मत करना, सारी चीजें आप लोगों की समय रहते रिवाइज करवा के दे दूंगा। किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है लाइव लेक्चर में पूछना, ताकि जो भी बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है उसको सारी चीज समझ में आ जाएगी। सारे लेक्चर फुल ऑन देखना है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है। जो चीजें मैंने लेक्चर में बताई वो इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना है बेटा। डन, क्लियर? और अगर कोई डाउट है तो स्टार्टिंग में नंबर दिया हुआ है, वो मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर मैसेज रिप्लाई देने में थोड़ी देरी हो जाए तो प्लीज़ थोड़ी सी शांति रखना, बिल्कुल जवाब सभी को आएगा। और ये एकेडमी का नंबर है, अगर लेक्चर्स बाय करने हैं, नोट्स बाय करनी है, चार्ट नोट्स बाय करना है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम है तो एकेडमी का नंबर, डाउट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी स्टडी रिलेटेड डाउट है, फैकल्टी का नंबर। डन, थैंक यू, लव यू, बाय। और हाँ, किसी बच्चे को अगर और कोई डाउट या कोई भी है तो, हाँ समझ गए थे हम लोग, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक बार फिर से। चलो थैंक यू सो मच, अदिति बोल रही 110% समझ में आ गया, बहुत बढ़िया यार, बस यही मैं उम्मीद करता हूँ कि हर लेक्चर आपको ऐसे 110% समझ में आ जाए। टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस सेम प्लेटफॉर्म एंड सेम पर्सन विद द सेम सब्जेक्ट बट न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत।